चलो चाहे आर से डिनोट करूं, जिससे चाहे उससे हम लोग प्रदर्शित कर सकें। सबसे पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन, अगर कोई भी चीज बेटा रेस्ट में है, कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के सामने कोई पेड़ लगा हुआ है, वो आज आप गए तब भी पेड़ वहीं पर था, कल गए तब भी वहीं था, वहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी नहीं पेड़ चलने लगेगा। लेकिन मेन बात यह है, हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, हम लोग जो भी चीजें देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं वो हम लोग रिस्पेक्ट में देखते हैं अर्थ के, ठीक है। हम लोग ये मानते हैं कि अर्थ हमारी रेस्ट में है, ये मान के हम लोग काम करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। मतलब स्थिर का मतलब है जो रुकी हुई है। इवन ब्रह्मांड तक हमारा अभी भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने एक थ्योरी का भी सुनी होगी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले हमारा पूरी दुनिया, जितना भी मासेस हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब एक गोला हुआ करता, उस गोले में विस्फोट हुआ, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज हैं साइंटिस्ट की, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो उस गोले में विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद अब तुम खुद बताओ, अगर कोई भी चीज़ टूटे तो उसके कण दूर दूर भागते हैं, ऐसे ही जितने भी मास थे वो दूर दूर भागे, कोई मास किसी के चपेट में आ गया। जैसे हमारा हम क्या है, हम लोग सन के चपेट में आ गए, हमारा प्लेनेट, तो वो सन के चारों रोटेशन कर रहा है और अगले भी बढ़ रहा है और अगले भी बढ़ रहा है। ऐसे ही आज भी ये माना जाता है कि वो जो उस समय एक्सप्लोजन हुआ था, जो उस समय जो वो पिंड था वो फटा था, वो आज भी जारी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो लोग आज भी दूर दूर भाग रहे हैं। अब हमारे न्यूटन चचा क्या बोले, हमने आपको बताया, हाँ न्यू
न्यूटन चाचा बोले ग्रेविटेशन हमने पढ़ा कि हर एक मास दूसरे मास को क्या करता है, अट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी अभी तो क्या हो रहा है, अभी जो एक्सप्लोजन हुआ था वो फैल रहा है, जब जब पूरा फैल जाएगा उसके बाद में सब क्या होंगे, अट्रैक्ट, फिर वापस से एक बन जाएंगे, फिर फूटेगा, ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। ठीक है, ये अभी तो कहते हैं कयामत आती है, कयामत आएगी, कयामत ऐसे ही आएगी। ठीक भाई, तो उस चीज को हम लोग समझें, हम लोग ये मानेंगे बेटा कि अर्थ हमारी क्या है, रेस्ट में, लेकिन हम लोग जानते हैं अर्थ हमारी रेस्ट में नहीं है, सन भी रेस्ट में नहीं है, सूर्य भी रेस्ट में नहीं है। मैंने कहा दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज रेस्ट में नहीं है, सब चीज मोशन कर रहे हैं। हम लोग जब अपनी गति देखते हैं तो हम अर्थ को क्या मानते हैं, रेस्ट में। जब हम लोग पृथ्वी की गति देखते हैं तो हम सन को क्या मानते हैं, रेस्ट में। ठीक है, और उससे आगे हम सोचते ही नहीं, सन के आगे हम सोचते ही नहीं है, हम तो यही मानते हैं। तो वही चीज है, अगर हम किसी चीज को रेस्ट पर माने, अब बताओ टाइम बढ़ता जाएगा वो चीज बनी की बनी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस पर कोई चीज है वो हमेशा उसी पर रहेगी और टाइम तुम्हारा चलता जाएगा। जैसे मैंने कहा मान लो एक दिन पर चीज जहां पर ही बही रही, दूसरे दिन पर भी वही रहेगी, तीसरे दिन पर भी वही रहेगी, यानी कि टाइम तुम्हारा बढ़ता गया, लेकिन जो चीज अगर कोई भी रेस्ट में है तो वो चीज वही की वही ही रहेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब। अब इसी में अगर बात करी जाए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में ना हो, रेस्ट में ना हो, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बेटा अगर कॉन्स्टेंट की बात आई तो कॉन्स्टेंट को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक समान गति से चल रही है, एक समान गति से। अब बताओ अगर गति एक समान होगी तो तुम्हीने बोला था सर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तुम बोले थे अगर गति समान होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अब हम किसमें देख रहे हैं, एस में और किसमें, टी में। तुम इक्वेशन देखो एस और टी की, क्या यही है? और ये इक्वेशन जो है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब मुझे बताओ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो क्या यही नहीं आ गया दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वही आ गया। तो अब मैं अगर देखूंगा यहां पर ये क्या है एस, और किसमें देख रहा हूं, टाइम में को देख रहा हूं एस, और क्या देख रहा हूं, टाइम में। मुझे बताओ जब मेरा समय जीरो होगा, यहां अगर मैं टी जीरो रख दूं तो एस भी क्या होगी, जीरो। और एस और टी में देखो यहां पर भी पावर कितनी है, वन, यहां पर भी पावर, तो रेखा क्या रहेगी, सीधी स्ट्रेट लाइन रहेगी। कुछ चीजें समझो इनसे समझने से पहले बेटा, अगर कहीं भी कोई भी चीज, जैसे मान लो वाई बराबर ए एक्स, ठीक है, कुछ भी चीज, तुम्हें अगर ग्राफ वाई और एक्स में देख रहे हो तो सबसे पहले इनकी पावर देखो, इस पर पावर नहीं बन, इस पर भी पावर, अगर दोनों पर पावर वन है, दोनों की घात क्या है, वन, तो जो भी ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट। दूसरी बात, अगर यहाँ पर तो पावर वन है, यहाँ पर पावर क्या है, टू, तो ये ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पर पावर तीन है तो ये थोड़ा और कर्व हो जाएगा, अगर यहाँ पावर चार है तो ये और कर्व हो जाएगा, यहाँ पावर पांच है तो ये और कर्व हो जाएगा, ऐसे ग्राफ कर्व होता चला जाता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ कर्व होता चला जाता है। अब मैंने यहाँ पर तो बात करी थी सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो एस पे पावर वन और टी पर भी पावर वन, तो ग्राफ मेरा कैसे बना, स्ट्रेट लाइन। अब देखो मैंने, मेरा बात वही हो रही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद में अब मैंने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, अभी क्या नहीं बदल रहा था, वेलोसिटी भी बदल रही थी, अब क्या नहीं बदलेगा एक्सेलरेशन। कोई मुझे बता देगा सर एक एग्जांपल बता दो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सर एक एग्जांपल बता दो, बोलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जहां पर जो त्वरण है, त्वरण क्या हो जाए, कांस्टेंट,
त्वरण क्या हो जाए? एक एग्जांपल बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, एक एग्जांपल बताओ यूनिफॉर्म। नहीं पता, ये चीज है, ये यहां से मैं गिरा दूं तो पृथ्वी इसे किससे खींच रही है? जी से। किससे खींच रही है? ऐसा थोड़ी नहीं है कि अभी तक तो जी से खींची, उसके बाद में जी से कुछ और खींचे। तो जी क्या है वहां पर? कांस्टेंट। और जी है क्या? त्वरण। अरे एक्सेलरेशन ही तो है, तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? तो कोई भी चीज, जो चीज ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, मुझे बताओ उसका वेग बढ़ता है? अरे टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम के साथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो भी बढ़ती है, वो भी बढ़ती है। अब देखो, अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, हम लोगों ने इक्वेशंस देखी थी सर, s बराबर ut plus half at square, इसमें सेकंड वाली क्यों नहीं लगा रहे हैं? सेकंड वाली लगा रहे हैं, फर्स्ट वाली क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उसमें s नहीं है। क्या नहीं है? डिस्प्लेसमेंट। हम थर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है। तो हमने इक्वेशन लगाई s equal to ut plus half at। अब मुझे बताओ, अगर समय जीरो होगा, समय क्या होगा? यहाँ पर समय क्या होगा? जीरो। यहाँ पर मूल बिंदु पर समय क्या होगा? जीरो। अगर समय जीरो होगा तो पूरा ऐसी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुणा होगी तो सब कुछ क्या हो जाएगा? जीरो। अब मुझे बताओ, उसके बाद में चलो एस समय जीरो हो गया, अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे तो जीरो मान लो। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लूं? जीरो। तो एस और टी में ही तो देखूंगा मैं, तो एस पर पावर कितनी है, टी पर कितनी है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। और तुम भी जानते हो कि जैसे मान लो अगर तुम किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ो तो पहले सेकंड में वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, त्वरण कांस्टेंट है, ठीक है, तब ये फार्मूला ये बन जाता है। ये किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये फार्मूला बन जाता है। अब अगर मैं कहूं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या है? रिटार्डेशन का मतलब मंदन। अगर नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है, नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो उसमें मंदन होगा, और मंदन क्या होगा? माइनस जी। माइनस जी कहाँ लगेगा? अरे जी कहाँ लगता है? नीचे की ओर। और कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो उसके वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब वेग उसका क्या हो रहा है? कम। अगर उसका वेग कम होगा, ये बताती है, अगर उसका वेग कम होगा, अगर उसका वेग कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि उसमें क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, यानी कि उसमें मंदन हो रहा है, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, अगर मंदन हो रहा है, दोनों चीज जरा सोचना, मैंने नीचे से चीज को ऊपर देखा तो जो उसने पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी अगले सेकंड में उससे कम करेगी कि ज्यादा? और उससे अगले सेकंड में उससे भी कम। और अगर मैं ऊपर से किसी चीज को छोड़ता हूँ नीचे की ओर, तो पहले सेकंड में कम अगले सेकंड में क्या? देखो, अगर मैंने ये, मैंने किसकी बात करी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यानी कि जी की वैल्यू प्लस, या एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। अब बताओ पहले सेकंड में मैंने कहा, मान लो ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड, पहले सेकंड में इसने डिस्टेंस सिर्फ इतनी ट्रेवल करी, दूसरे सेकंड में देखो इससे बढ़ गई, तीसरे सेकंड में और बढ़ गई, और बढ़ गई, फोर्थ सेकंड में, तो डिस्टेंस हर सेकंड पर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब मैं अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करूं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदन। अगर मैं मंदन की बात करूं तो देखो तुम्हें पता है, अगर मंदन की बात करेंगे हम लोग तो पहले सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, फिर तो ऐसे अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे ऐसे बनेगा। कैसे सर? पहला सेकंड मान लो मैंने ये माना, दूसरा ये माना, तीसरा ये, चौथा
तो पहले सेकंड में इसने, पहले सेकंड में इसने, अच्छा पहला सेकंड अगर देखोगे इससे मिलाओ तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अगले सेकंड में इसको ग्राफ को कट करोगे कम करी, पहले से क्या करी कम, फिर अगले सेकंड में देखोगे तो इससे भी कम, इससे भी कम, तो हर सेकंड में डिस्टेंस क्या होती जा रही है कम, और एक टाइम ऐसा आएगा कि डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट, यानी कि फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कि क्या होगा रुक जाएगा, क्या हो जाएगा रुक जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि मंदन। अगर मंदन का ग्राफ आएगा तो ऐसे बनेगा, मंदन का ग्राफ ऐसे बनेगा। उसके बाद में ग्राफ आता है हमारा वेलोसिटी टाइम का, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, जो भी हमने बात करी वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी और टाइम की। वेलोसिटी और टाइम, बच्चों देखो कुछ बात सुनो, कुछ मैं तुमको बात बताऊं, ऐसा है कि अपन को लेना है सिलेक्शन, ठीक है अपन को सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले जैसे मैं तुमसे कई किताब खरीदूँ, दूसरी बात ये कि किताब खरीदने के बाद क्वेश्चन लगाओ, आपको बताया जाता है 200 क्वेश्चन आते हैं और 180 मिनट होते हैं, आप ये मत समझो सब 3 घंटा 20 मिनट मिलते हैं, तो 20 मिनट बेटा वही कॉलेज वाले ही खा जाते हैं, ठीक है कहीं साइन करवाएंगे, कहीं कुछ भरवाएंगे, कहीं आके स्कैनिंग करेंगे, कहीं अंगूठा लेंगे तुम्हारा, ठीक तो 20 मिनट वो खा जाते हैं, 200 क्वेश्चन को टाइम कितना मिलता है 180 मिनट। अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो 180 आते हैं, 180 करने होते हैं, आते 200 हैं, तो पढ़ने तो तुम्हें 200 ही पढ़ेंगे, तो अपनी स्पीड को जब तक आप बूस्टअप नहीं करोगे तब तक काम नहीं होने वाला। मान लो अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो कल्याण नहीं होने वाला। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मैं आपको चाहूँ तो कभी सरल सरल चीज़ें पढ़ाऊँ, कभी सरल सरल, ठीक है जैसे जो हमारे एकेडमिक में पढ़ाई जाती है, तो हम लोग एकेडमिक पढ़ते हैं ना, एकेडमिक मतलब 12वां 11वां पढ़ते हैं, ठीक है तो 11वीं 12वीं में क्या होता है सर जी आराम से पढ़ाते हैं, कभी सरल सरल क्वेश्चन करें तो थोड़ी कराती बस छुट्टी और उसी को पढ़ के हमारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। मैं उसी प्रकार से तुमको बता रहा हूँ, इस चीज़ को मैं इसलिए अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि जब अपन ने भी कभी 12th किया था तो अपन भी चलो टॉपर नहीं था लेकिन गिनती थी टॉप होने की, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी IIT की तो मुझे पता चला रियल में मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी, यानी कि जो मैंने 12th में पढ़ा और जो मैंने 11th में पढ़ा वो सब बेकार है, उसका कोई काम नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है हम न्यूमेरिकल से भागते हैं बहुत कोसों दूर, ठीक है न्यूमेरिकल से जैसे ही आते हैं तुरंत अरे कोई बात नहीं हम तो थोड़ी कर लेंगे, लेकिन जब तुम यहाँ आते हो, जब तुम यहाँ आते हो कंपटीशन देते हो जहाँ पर असली औकात पता चलती है इंसान को अपने, तो वहां पर हमें पता चलता है यहाँ पर तो बिना न्यूमेरिकल से कोई कुछ होना ही वाला नहीं। तो सबसे पहले तो ये है अपनी अपनी जो स्पीड है ना उसको बूस्टअप करो, स्पीड बूस्टअप फिजिक्स में तब होगी जब आपकी कैलकुलेशन बूस्टअप होगी, अगर आप कैलकुलेशन दिमाग में जितनी तेज जितनी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आप सोच पाते हो उतना हो पाएगा तब कर पाओगे, तब कर पाओगे, क्योंकि अगर पता चली 200 क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको 3 घंटे लग गए तो हल कब करोगे, ये सिंपल, हाँ 200 क्वेश्चन पढ़ने में ही, 200 क्वेश्चन एक क्वेश्चन होते हैं, अब 200 क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको 3 घंटे लग गए फिर कर कैसे पाओगे, अगले कैसे कवर कर पाओगे, तो वही मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाओ, कम से कम एक दिन में जाके, एक दिन में यहाँ से जाने के बाद कम से कम जब तक यहाँ पर वापस आओ तब तक 5-6 घंटे पढ़ो। और दूसरी मैं बता रहा हूँ बेटा BSc में कुछ नहीं है, हकीकत कुछ नहीं, मैं कई बार बोलता हूँ BSc में कतई कुछ नहीं है और यहाँ की BSc में तो कतई कुछ नहीं है, इतने पतले गैस पेपर आते हैं, इतने ये भी मैंने मोटा बोल दिया, इतने पतले गैस पेपर आते हैं, उस गैस पेपर में पहले से ही पता होता है ये क्वेश्चन आएगा, पहले से पता होता है ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद भी मुझे ये समझ में आता है यहाँ के बेवकूफ लड़के BSc की कोचिंग क्यों पढ़ते हैं, दुनिया में कितनी भी यूनिवर्सिटी ले लो आप, नहीं आप ये आप लोग ये बात को सोचो बेटा, वो हमारा कल्चर चला आया है ना, वो हमारा कल्चर चला आया है कोचिंग पढ़ने का, हमने 12वीं तक पढ़ी थी, उसके बाद में आप कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी उठा लो, BHU ले लो, DU ले लो, AMU ले लो, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लो, एक भी बच्चा वहां का होता था जो कोचिंग पढ़ता हो,
ठीक है, हम एनजेपी के हैं, ठीक है, हमने बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, हम कोचिंग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भीड़ कोचिंग पढ़ रही है, सारे बच्चे भी ऐसे हैं सर, और पता है सबको इतना पतला सा खाली गेस्ट पेपर होता है, खाली उसी में पढ़ दो। और जो जो भी लोग हैं यहाँ पर, अगर मान लो कोई बच्चा बीएससी कर रहा हो, तुम अपने टीचर से पूछ रहे सर किताब खरीद ली, तो वो जस्ट बिना कर देगा ना, किताब मत खरीद, जो हम बताएंगे उसी में से आएगा, वो ये कहेगा जो हम बताएंगे उसी में से आएगा। और जो नॉलेज मिलती है ना वो गैस पेपर से नहीं, किताब से ही मिलती है, गैस पेपर में कुछ नहीं रखा है। इसीलिए यहाँ के बच्चे ना कभी कोई नेट निकाल पाता है, ना कोई गेट निकाल पाता है, कोई मतलब ही नहीं, यही चीज़ें पड़ गई। तो ये है, आप लोग तैयारी करो बहुत अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम मैं कह रहा हूँ 300 क्वेश्चन पर डे होनी चाहिए। और यहाँ से जाने के बाद में अगर आप यहाँ से जाने के बाद अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाए, यहाँ से जाने के बाद अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो फिर आपकी तैयारी करना ही बेहतर। यहाँ से जाने के बाद कम से कम 6 घंटे को, हम बात कर रहे थे वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है। आप मुझे बताओ, सबसे पहली चीज मैंने ये कही, अगर कोई बॉडी रेस्ट में, कोई बॉडी कैसे हो, वही चीज बात करेंगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या हमेशा जीरो रहेगी, हमेशा ही जब तक रेस्ट में रहेगी तब तक क्या रहेगी, जीरो। जब तक कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी उसकी वेलोसिटी हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, ये जीरो वेलोसिटी, ठीक है, क्या हमेशा जीरो रहेगी बेटा, ये जीरो की वेलोसिटी है। अगर रेस्ट के लिए आएगा तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, रेस्ट के लिए आएगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, जीरो, तो ये जीरो। लेकिन यदि मैंने कहा कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेलोसिटी कैसी हो, यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एक समान है, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। अब मुझे बताओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी कभी चेंज हो रही है, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी कि अभी जो वेलोसिटी है एक घंटे बाद भी, फिर एक घंटे बाद भी, तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, ये ग्राफ, ये ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, अगर यूनिफॉर्म क्या हो, एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी मैंने बताया था क्या होगा, कि जहां पर त्वरण कभी भी चेंज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अब देखो इसमें बी आ रहा है और क्या आ रहा है, टी, कौन सी इक्वेशन में आता है, फर्स्ट में, फर्स्ट क्या होती है, बी इक्वल टू यू प्लस, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, जीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो बी पर भी पावर वन और टी पर भी पावर, अगर दोनों पर पावर वन तो आप बोले सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, ग्राफ कैसा रहेगा, लेकिन यदि मैं कहूँ ये ग्राफ कब बना है, ये ग्राफ कब बना है, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अगर इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है, तो टाइम पे अगर देखो मैं टी इक्वल टू जीरो रखूं तो यही तो जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ बचेगी, तो वो रहेगी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, दोनों ग्राफ हैं, ये ग्राफ कब है, जब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये ग्राफ कब है, जब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये किसका है, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, किताब इसे बराबर। फिर मैं बात करता हूँ रिटार्डेशन की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद रिटार्डेशन, अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा हो, अच्छा कल 15 दिन छुट्टी है ना, तो कल कम से कम 12 घंटे पढ़ना, छुट्टी अगर वो छुट्टी अगर
लॉकडाउन नहीं पड़ोगे तो काम कैसे चलेगा, आप ये समझो। रिटार्डेशन की बात करूं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब हो गया मंदन। क्या हो गया? मंदन। अरे एक साल मेहनत करो कोई जिंदगी काम आया तो भारत देश में बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सर अगर मैं रिटार्डेशन की बात करूं, ए की वैल्यू क्या है? माइनस। अब मुझे बताओ, खुद बताओ, नीचे से मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो अगर मैं नीचे से किसी चीज को ऊपर फेंकूंगा या मैं ऐसे लिखूंगा सर, माइनस जी टी। अगर मैंने ऐसे कहा तो एक समय पर जाके प्रारंभिक वेग, यानी कि देखो इनिशियल टाइम पे जब समय मेरा क्या है, जीरो, जब टाइम क्या होगा, मैंने किसी चीज को नीचे से फेंका तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बी। बी होगी? नहीं, यू। क्या होगी? खुद बताओ मुझे, अगर मैंने नीचे किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकू तो वो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग ही तो कहलाएगा, और प्रारंभिक वेग क्या होगा सर? तो मेरा जब समय जीरो है तो मैंने क्या माना? यू। और एक टाइम के बाद चल के यू कम होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम। और एक समय पर आके ये क्या हो जाएगी? जीरो। कौन से समय पर आके जीरो होगी? देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। अगर मैं टी का वैल्यू निकालूं, क्या यू अपॉन जी? तो मैंने कहा ये रिटार्डेशन हो रहा है और एक समय पर आके ये कौन सा समय होगा? ये समय होगा u upon g, जब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए ये फिगर बनेगा। एक्सेलरेशन कभी तो 2 मीटर पर सेकेंड है, कभी 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे तुम जब बाइक की रेस देखो ना, तो रेस धीरे धीरे चल रहा होगा, ठीक है, तो बाइक की जो स्पीड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। तो यदि तो उसका जो ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम के साथ में क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज का जो ग्राफ बनेगा एक समय पर जाके ऐसे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। पहले वेलोसिटी तो पहले वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग मोशन।
15 अगस्त की छुट्टी है, सभी के स्कूलों की छुट्टी होगी, कोई स्कूल तो नहीं जाओगे अपने? स्कूल मत जाना। अब देखो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेटा देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक इस चीज को समझो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें याद करना अगर कहीं भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, विस्थापन इसको शो करेगा, और जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होगा वो हमेशा वेलोसिटी को शो करता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट, इसको दिखाता है। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं, इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया दिखाता है ये चीज। अब देखो मैंने तुम्हें कोई एक क्वेश्चन दिया, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तुम्हें 0 से 7 सेकंड के बीच में तुमने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब तुम जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया तो मेरा यही हुआ, तो सबसे पहले तुम अगर ये वाला एरिया देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला पता है? हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 आधार गुणा लंब, आधार कितना है बोलो? 5। लंब कितना है? कितना दिया है? 5। क्या 25/2? क्या 12.5? 12.5। अब मैं जरा इस वाला एरिया देख लूं, ये वाला, ये भी तो ट्रायंगल है, इसका फार्मूला 1/2, बेस कितना हो गया? अरे 7 में से 5 गया, हाइट कितनी है, तो इसका आंसर क्या 5 आया? अब ये 5 आया और ये क्या है? 12 पॉइंट, तो टोटल एरिया कितना हो गया? टोटल एरिया तो 12.5 प्लस क्या 17.5 मीटर, तो 0 से 7 सेकंड में कितने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 17.5। अब तुमसे पूछता बताओ 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो 5 सेकंड में, 5 सेकंड में यहीं तक तो चला, कितना चला? 12.5। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन,
डाइवर्सिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम तुमसे बेटा 4 सेकंड पर वेलोसिटी पूछी है, लेकिन उसने ये कहा जब समय 0 था तो वेलोसिटी उस समय कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ज्ञात करना है कि 0 से 4 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। वेलोसिटी कितनी 0 से 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हुई? तो 0 से 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हुई? अच्छा पहले एक बात सुनो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, ये तो सत्य है। यस सर। अब मुझे बताओ, सब लोग ने इधर देखना, एक बार बताओ दिमाग लगाओ, मैं यहां से चला, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वेलोसिटी मेरी बढ़ती गई, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती गई। अभी एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव 4 है, उसके बाद है तो पॉजिटिव ही। अरे वो बात अलग है, पर नीचे आके तो अगर इसके नीचे पहुंच जाओगे, इसके नीचे, तब जाके वेलोसिटी क्या होगी? लेकिन वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझा रहे हैं? अब जरा सोचो, किसके समझ में नहीं आया कि यहां पर वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है? बेटा एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले सर, अगर मैं इसमें, ये मुझसे कहां से पूछा गया है? 4 सेकंड में पूछा गया है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दिखाता है? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया निकालना। तो सर 1/2, भुजा कितनी है? 2। हाइपोथेनियस मतलब परपेंडिकुलर 4। क्या यहां 4 आंसर आया? इसका 4। अब भाई इसका निकालना, तो सर 1